और पीलीभीत जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में जमुनिया गांव निवासी एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिसमें 11 साल की एक किशोरी की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया और महिला के पति सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। और पीलीभीत के ब्लॉक ललौनी खेड़ा में पड़ने वाले गांव नादसियापुर में बाघ के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये महिला गांव की ही 2 महिलाओं के साथ खेत में घास काटने गई थी, जहां खेत से निकलकर बाघ ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाएं जान बचाकर भागी, लेकिन एक महिला को बाघ ने दबोच लिया। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे, महिला की जान बचाई गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का कहना है कि 10 से 12 बाघ गन्ने के खेत में अपना आशियाना बना के रखे हुए हैं और वन विभाग पिछले 12 सालों से अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है और इसी तरह बाघ के हमले होते रहे हैं। वो रिहायशी इलाकों में आकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.